हमारी पूरी दुनिया के लिए एक नया धर्म आया जो पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गया। A new religion came for our whole world, which became focus of discussion in the whole world. Of new religion is ancestor religion, पूर्वज धर्म, monotheistic religion, एकेश्वरवाद धर्म, naturalism religion, प्रकृतिवाद धर्म, राहिमिक religion, राहिमी धर्म। नया धर्म का नाम है एंचेस्टर रिलीजन, पूर्वज धर्म, मोनोथिस्टिक रिलीजन, एकेश्वरवाद धर्म, नेचुरलिज्म रिलीजन, प्रकृतिवाद धर्म, इब्राहिमिक रिलीजन, इब्राहिमी धर्म। मेन प्रिंसिपल ऑफ एंचेस्टर रिलीजन, पूर्वज धर्म, मोनोथिस्टिक रिलीजन, एकेश्वरवाद धर्म, नेचुरलिज्म रिलीजन, प्रकृतिवाद धर्म, अब्राहिमिक रिलीजन, अब्राहिमी धर्म आर रूल ऑफ लॉ मेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल कैटेगरी पीपल बिलीव इन नेचर इट्स एंचेस्टर एंड मोनोथोसियम नेशनल रिप्रेजेंटेशन इन ऑल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड एक्टिविटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फुलफिलमेंट ऑफ इक्वल नीड्स ऑफ ऑल Teach and lead 10 members turn by turn for equal prosperity for all people and world peace. Ancestor religion, Purvas dharm, monotheistic religion, Ekshwarvad dharm, naturalism religion, Prakritivad dharm, Abrahamic religion, Ibrahimi dharm. के मुख्य सिद्धांत हैं सभी वर्ग के लोगों के प्रतिनिधि द्वारा बनाया गया कानून का शासन प्रकृति अपने पूर्वज और एकेश्वरवाद में विश्वास सभी प्रकार की संस्थाओं और गतिविधियों में उपातिक प्रतिनिधित्व कानून के समक्ष समानता और सभी के की समान आवश्यकताओं की पूर्ति सभी लोगों के समान समृद्धि तथा विश्व शांति के लिए बारी बारी से 10 सदस्यों को सिखाएं और नेतृत्व करें दिस न्यू रिलीजन इज फॉर इक्वल प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड दिस इज हार्मफुल फॉर करप्ट पीपल एंड पीपल हु आर यूजिंग रिलीजन फॉर पर्सनल गेन फॉर मनी एंड पोजिशन सो दिस फ्यू पीपल ऑफ द वर्ल्ड अगेंस्ट दिस न्यू रिलीजन ये नया धर्म दुनिया के सभी लोगों के समान समृद्धि के लिए है यह भ्रष्टाचार लोगों के लिए हानिकारक है और जो लोग निजी लाभ के लिए धर्म का उपयोग करते हैं कर रहे हैं पैसे और पद के लिए इसलिए दुनिया के ये चंद लोग इस नए धर्म के खिलाफ हैं हमारी दुनिया में आया एक और नया धर्म जिसने पूरी दुनिया में हलबली मचा दी है यहूदी ईसाई और मुसलमान आखिर क्यों है परेशान अरब में इस नए धर्म पर छिड़ी बहस दिस वीडियो इज फ्रॉम बीबीसी न्यूज ब्रह्मा और पैगंबर इमराही एक हैं। कहानी इमराहिमी धर्मों की चुपचाप आया ये नया धर्म मुस्लिम देशों में हड़कंप ईसाई यहूदी और मुसलमान इन तीनों धर्मों का आपस में क्या रिश्ता है क्या यहूदी और ईसाई लोग भी खतना करवाते हैं ईसाई और इस्लाम यहूदी धर्म से निकले हैं अब्राहम ब्रह्मांड का निर्माण किसी एक ही ईश्वर ने किया है भगवान ब्रह्मा और पैलंगम इब्राहिम में इतना समानता क्यों ईसाई का वो बादशाह जो कायमात से पहले आकर मुसलमानों को हराएगा आखिर कौन है ईसाई का ये सबसे ताकतवर बादशाह और इसका भारत देश से क्या रिश्ता है मुसलमानों के सबसे बड़े देश इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी की फोटो क्यों है आखिर इंडोनेशिया में इस्लाम कब और कैसे आए
ये है इतिहास की वो औरत जिसने किया था हमारी दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह। इस औरत से ईसाई और मुसलमान सबसे ज्यादा नफरत क्यों करते हैं? फिर क्या गंदा काम किया था इसने? भगवान ब्रह्मा और पैगंबर इब्राहिम समानताएं। यहाँ पर चार धर्म हैं, हिंदू, मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियन। इन चारों को मिला के पूरी दुनिया में 70% पॉपुलेशन आती है। हमारी पूरी दुनिया के लिए एक नया धर्म आया जो पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गया। अ न्यू रिलीजन केम फॉर अ होल वर्ल्ड विच बिकेम फोकस ऑफ डिस्कशन इन द होल वर्ल्ड। नेम ऑफ न्यू रिलीजन इज एंचेस्टर रिलीजन, पूर्वज धर्म, मोनोथिस्टिक रिलीजन, एकश्वाद धर्म, नेचुरलिज्म रिलीजन, प्रकृतिवाद धर्म, इब्राहिमिक रिलीजन, इब्राहिमी धर्म। नए धर्म का नाम है एंचेस्टर रिलीजन, पूर्वज धर्म, मोनोथिस्टिक रिलीजन, एकश्वाद धर्म, नेचुरलिज्म रिलीजन, प्रकृतिवाद धर्म, अब्राहिमिक रिलीजन, अब्राहिमी धर्म। इन प्रिंसिपल ऑफ एंचेस्टर रिलीजन, पूर्वज धर्म, मोनोथिस्टिक रिलीजन, एकश्वाद धर्म, नेचुरलिज्म रिलीजन, प्रकृतिवाद धर्म, अब्राहिमिक रिलीजन, अब्राहिमी धर्म आर वन। रूल ऑफ लॉ मेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल कैटेगरी पीपल। टू, बिलीव इन नेचर इट्स एंचेस्टर एंड मोनोथिस्टिशियम। थ्री, प्रोपोजनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड एक्टिविटीज। फोर, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फुलफिलमेंट ऑफ इक्वल नीड्स ऑफ ऑल। फाइव, टीच एंड लीड 10 मेंबर टर्न बाय टर्न फॉर इक्वल प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल पीपल एंड वर्ल्ड पीस। एंचेस्टर रिलीजन, पूर्वज धर्म, मोनोथिस्टिक रिलीजन, एकश्वाद धर्म, नेचुरलिज्म रिलीजन, प्रकृतिवाद धर्म, अब्राहिमिक रिलीजन, अब्राहिमी धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं। एक, सभी वर्ग के लोगों के प्रतिनिधि द्वारा बनाया गया कानून का शासन। दो, प्रकृति अपने पूर्वज और एकश्वाद में विश्वास। तीन, सभी प्रकार के संस्थाओं और गतिविधियों में अनुपतिक प्रतिनिधित्व। चार, कानून के समक्ष समानता और सभी की समान आवश्यकताओं की पूर्ति। पाँच, सभी लोगों के समान समृद्धि तथा विश्व शांति के लिए बारी बारी से 10 सदस्यों को सिखाएं और नेतृत्व करें। This new religion is for the equal prosperity of all people of the world. This is harmful for corrupt people and people who are using religion for personal gain, for money and position. So these few people of the world against this new religion. यह नया धर्म दुनिया के सभी लोगों की समान समृद्धि के लिए है। यह भ्रष्ट लोगों के लिए हानिकारक है और जो लोग निजी लाभ के लिए धर्म का उपयोग कर रहे हैं, पैसे और पद के लिए, इसलिए दुनिया के ये चंद लोग इस नए धर्म के खिलाफ हैं। धन्यवाद।